Okay, the question comes to be, now we have, if the timber is loaded half on deck and half on cargo hold, what will be, will timber code will apply or not? Or what about, what is rightening curve, why it is rises, why it is fall, and then what is Indian control tonnages? So these three topics just I will put up in this one. So we have, first question is, if this one, if half timber cargo is loaded on deck, first question, if the half timber cargo is loaded on deck, will timber code apply होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं टिम्बर कोड है क्या, तो टिम्बर कोड में कहा क्या, फिर उसके बाद वी विल चेक इट अप लोड लाइन है, फिर उसके बाद वी विल हैव इट कि क्या असल में कहा गया और उसका मतलब क्या है एंड व्हाट वी हैव टू गेट इट. तो टिम्बर में एप्लीकेशन में दैट इज हियर इट इज रिटन वेयर इट इज अप्लाइंग. The provision of this code applied to all the ships of 24 meter or more in length carrying a timber deck cargo. This cargo will be effective from to be decided, ये बोला गया है, but cargo securing in timber code and all this. तो ये जो है it is telling us कि किस vessels पे apply कर रहा है और किस तरीके से apply कर रहा है, और फिर नीचे और भी definitions and all this ये सब लिखा हुआ है. अब आते हैं कि टिम्बर लोड लाइन पे, टिम्बर डेक के लिए लोड लाइन दी हुई है, क्योंकि इसने बोला आधा कार्गो लोडेड है आधा कार्गो नहीं लोडेड है, तो क्या करना है इसमें. जैसे नेक्स्ट वन में हम चले जाते हैं जोन इन एरियाज, दिस इज रेगुलेशन नंबर 46. तो इसके जस्ट ऊपर ही ये 41 से लेके 41 या मेन फ्री बोर्ड हो गया. After this 41, yeah. Special requirement for the ships assigned timber freeboard. तो इसमें timber freeboard किस तरीके से assign करना है या है वो हो जाता है. तो construction of the ship दिया हुआ है, stowage दिया है, securing stability criteria, computation for the freeboard and all this. तो ये दिया हुआ है 45 में, और ये zones भी दिए हुए हैं कि seasonal zones, जैसे क्या है summer लोड लाइन है तो नॉट मोर देन 10% ऑफ द विंड फोर्स 8 बिफोर 34 और मोर, और ट्रॉपिकल में फॉर मोर 10% सॉरी लेस मोर देन 1% विंड ऑफ बिफोर 8 और मोर, नॉट मोर देन 1 ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन 10 ईयर्स, ये सब. फिर और इसी तरीके से फिर विंटर सीजनल जोन एंड एरियाज ये सब दिस है. बट वी विल स्टिक टू वॉट आवर क्वेश्चन वॉज कि टिम्बर कोड जो है, अगर आधा टिम्बर कार्गो जो है वो लोडेड है डेक पे और आधा टिम्बर कार्गो जो है लोडेड है कार्गो होल्ड में, तो टिम्बर कोड अप्लाई होगा कि नहीं. तो पहले तो हमें समझना है कि भाई टिम्बर कोड अप्लाई होने के लिए लोड लाइन का क्या लोचा है. तो लोचा ये है कि जो टिम्बर लोड करते हैं उनमें जो लोड लाइन है वो ऊपर बनाई गई है, जो कि नॉर्मल समर लोड लाइन है उनसे ऊपर उनको मतलब ज़्यादा दे दिया गया, उन लोगों को ज़्यादा पॉसिबिलिटी दे दी गई कि यू कैन लोड मोर एंड मोर. तो वाई मोर, तो वाई मोर का आंसर ये है कि उनके पास बायंसी एडिशनल ज़्यादा आ गई. तो एडिशनल बायंसी कब आ गई उनको, उस टाइम आ गई जब पूरा डेक का कार्गो लोडेड है, जब पूरे जो डेक पे पूरा टिम्बर कार्गो लोडेड होगा तब उसमें एडिशनल बायंसी आएगी. जब आधा लोडेड है तब तो आएगी ही नहीं, जब आधा लोडेड है तो आएगी ही नहीं, तो उनको तो भाई टिम्बर लोड लाइन जब आधा कार्गो लोड किया तब तो लगेगा ही नहीं, इसका मतलब तब नॉर्मल लोड लाइन यूज होगी. तो इसमें यही है कि मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड दैट द लोड लाइन कन्वेंशन गिव्स टिम्बर वेसल अ हायर लोड लाइन देन द नॉर्मल वेसल, मतलब उनसे ज़्यादा कि लोड लाइन में हम लोग उनको ज़्यादा लोड करने के लिए अलाउ किया गया है. इट मीन्स दैट दे कैन लोड मोर कार्गो देन अदर वेसल्स एज पर द लोड लाइन, लोड लाइन के हिसाब से वो ज़्यादा लोड कर सकते हैं. कन्वेंशन रेगुलेशन जो 41 से 45 अभी दिखाया था वो वाले. अगेन द क्वेश्चन इज वाई कि भाई क्यों ज़्यादा लोड कर सकते हैं, क्योंकि जो टिम्बर है वो एडिशनल बायंसी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है वेसल को. जब पूरा वेसल पूरी टिम्बर कार्गो से लोड होगा तो एडिशनल बायंसी, तब तुम टिम्बर
लोड लाइन तक लोड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट लोड. मतलब आधा कार्गो है तो यू कैन नॉट लोड, चाहे वो 1/3 कार्गो, चाहे तो 2/3 कार्गो, चाहे वो 99%, 99.99% ऑफ द कार्गो, यू कैन नॉट लोड. यू हैव टू लोड जब 100% पूरा कार्गो है, देन ओनली यू कैन गो टू टिम्बर लोड लाइन, अदरवाइज यू कैन नॉट गो. अ टिम्बर लोड लाइन ओनली फॉर डेक टिम्बर कार्गो, इसी के लिए यूज होता है और किसी और के लिए नहीं होता है. और फिर नेक्स्ट है इसमें कि इट मीन्स एडिशनल पॉइंट, सी इट मीन्स दैट इफ द वेसल इज नॉट लोडेड विथ फुल टिम्बर कार्गो, अगर वो जो वेसल है वो पूरा टिम्बर कार्गो से लोडेड ही नहीं है, देन इट विल नॉट हैव एडिशनल बायंसी, तो उसके पास एडिशनल बायंसी ही नहीं रहेगी. एंड द वेसल कैन नॉट बी लोडेड टिल टिम्बर लोड लाइन, जब बायंसी नहीं रहेगी तो पूरा तो लोड ही नहीं कर सकते हम. सो द वेसल विच इज लोडेड विथ हाफ टिम्बर कार्गो ऑन डेक, आधा टिम्बर कार्गो है, इट विल नॉट कंप्लाई विद द टिम्बर लोड लाइन बट हैज टू कंप्लाई विथ नॉर्मल लोड लाइन्स, ये होगा. देन वाई राइटिंग आर्म कर्व राइजेज एंड फॉल, तो ये एक क्वेश्चन कुछ दिनों पहले ना ग्रुप पे पूछा था कि राइटिंग आर्म कर्व क्यों राइज हो रहा है, क्यों फॉल हो रहा है पूछा था. तो इसका जो रीजन है वो ये है कि आई विल फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड विद द डायग्राम, तब समझ में ज़्यादा आएगा यार. तो यार इसमें देख, यहाँ यहाँ पे देखो जी जेड है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ हील्स है बने बनाए हुए हैं, और ये पूरा अपना कर्व रहा, ये रहा ऐसे करके. अब इसको ना बस थोड़ा सा इमेजिन करना है कि जब वेसल जब हील होती है तो क्या होता है. मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना ये 15 डिग्री तक का हील है, तो जब ये वेसल 15 डिग्री तक हील होगी तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे नीचे लग रही है, जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो यहाँ से ऊपर लग रही है. जो वैल्यू ऑफ जी जेड होगा ये छोटा होगा इस टाइम पे, मतलब राइटिंग लीवर थोड़ा सा ही लगेगा और वेसल अपराइट हो सकती है. जब वेसल बहुत ज़्यादा हील्ड है, जो कि जहाँ पे जी जेड मैक्सिमम हो जाता है, तो मतलब इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए मैक्सिमम राइटिंग लीवर की वैल्यू चाहिए होगी, सो एज टू मेक यू मेक दिस गाई अपराइट वेसल को, तो वहाँ पे क्या होगा, राइटिंग लीवर जो है वो बड़ा हो जाएगा. और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो ग्रेविटेशन जो इतनी है, जो जी है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि बी उसको ओवरकम ही नहीं कर सकता है, तो इसके वजह से जी जेड जो है वो अब कम हो जाएगा और ये डुबा ही देगी जहाज को. तो आफ्टर दिस वन कैप्साइज ही होना है वेसल को, कुछ और नहीं होना है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन इज कि जो शिफ्ट हो रही है बी, सेंटर ऑफ बायंसी जो शिफ्ट हो रही है बी से, जरूरी नहीं है कि बी आगे इधर या ऊपर शिफ्ट हो या नीचे शिफ्ट हो, बी जो है बी वन जो है, बी कैन शिफ्ट टू बी वन, ऊपर भी नीचे भी आगे भी पीछे भी कहीं भी शिफ्ट कर सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे. तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैंने यहाँ से यहाँ बताया तो यहीं पे होगा और कहीं नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी वेयर अराउंड. इसमें भी सेम कि एनी वेयर अराउंड यू कैन मेक इट, बट जब मैक्सिमम जो जी जेड मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे जो होगा वो उसी टाइम पे हो सकता है कि जब बी सबसे फर्देस्ट हो और जो जी जेड की वैल्यू उस टाइम पे, क्योंकि ये बायंसी ऊपर लग रही है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो जो ये जी से जेड बनता है यही राइटिंग लीवर बनता है हमारा, कि यही जो ग्रेविटी का ये वाला ग्रेविटी का लीवर और यहाँ से ये ऊपर बायंसी का लीवर, यही दोनों जो है ना हमारे राइटिंग लीवर बनते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि वेसल कैप्साइज होगी या नहीं होगी. तो कमिंग टू द पॉइंट कि जी जेड राइज क्यों कर रहा है और फॉल क्यों कर रहा है, तो जी जेड जो स्मॉल एंगल्स के लिए भी हमें बताया गया है, वो फॉर्मूला वमूला दिया गया है, तो उससे भी वी कैन से कि उसके वजह से, या वो तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया, दैट फॉर्मूला केम लाइक दिस ओनली, कि यहाँ पे जी जेड की वैल्यू छोटी आई तो कितनी आई, तो वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टेंट्स के से और किसी तरीके से वो इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके वो फॉर्मूला लगा लिया था. तो जब वो कम होता है तो कम होता है, जैसे जैसे वो धीरे 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 तक आता है, एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से धीरे 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 करके अटेन करता है, और उसके बाद धीरे 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 ये राइज होता है. जो उसका रीज़न है वो उसका यही है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन अप किया है, कि लेट अस अज्यूम अ वेसल विच इज अपराइट, इट विल नॉट हैव एनी राइटिंग लीवर, उसके पास तो कोई नहीं होगा. नाउ लेट अस अज्यूम अ वेसल विच इज हील टू 15 डिग्रीज, द बायंसी ऑफ द वेसल शिफ्ट फ्रॉम बी टू बी वन एंड दस अ राइटिंग लीवर विल डेवलप एज शोन इन द डायग्राम. तो जैसा डायग्राम में शो कर रहा हूँ उसी के हिसाब से उसका वो छोटा सा, मतलब दिस वन, ये हो जाएगा. उसके बाद क्या, व्हेन द वेसल हील्स फर्दर द जीजेड राइटिंग लीवर
will keep increasing because the center of buoyancy B1 will keep moving away from the B. यहाँ पे ये B से और दूर 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 ही होते जा रहा है, तो यही होगा, इसी तरीके से होगा. तो जब ये डिस्टेंस पे होते जा रहा है B से, तो इसी तरीके से जो GZ है वो इस टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा, जितनी दूर जाएगा उतना ज़्यादा हो जाता है. और द वैल्यू ऑफ GZ आफ्टर अ मैक्सिमम वैल्यू विल डिक्रीज बिकॉज द B1 कम क्लोजर टू क्लोजर सो ऑन. तो क्या होगा फिर जब ये मैक्सिमम पे चला जाएगा, इसके बाद क्या होगा, फर्दर हील करोगे मगर जो बायंसी है ना, सेंटर ऑफ बायंसी, दैट विल कम क्लोजर वन क्लोजर टू जी, ये जो लाइन है इस लाइन के पास में आ जाएगी, जिसके वजह से GZ जो है वो स्मॉलर बनने लगेगा. तो दिस इज द रीज़न कि वो राइज क्यों भी हो भी रहा है और फॉल भी क्यों हो रहा है. फिर है कि वॉट इज इंडियन कंट्रोल टनेज. तो इंडियन कंट्रोल टनेज जो ना एज पर MSAC 1950 सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग है, और ये इसलिए किया गया था कि शिप जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया के जो शिप ओनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेसल्स को अक्वायर कर लें वर्ल्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टनेज हो जाए, तो मतलब हम लोगों की भी वैल्यू बढ़ जाए वर्ल्ड में इंडियन मरीनर्स की, सी फेयरर्स की. तो ये सब है, उसके लिए जो नोटिस निकला था वो ये रहा, जो कि इसी में मैंने ब्लॉक में ये डाला हुआ है. तो ये रहा, तो दिस वन इज, बस उसे क्लिक करते ही ये आ जाएगा लिंक यार. तो ये रहा DGS का ऑर्डर नंबर 10/2014 का था ये, और उसमें ये देखो यहाँ पे लिखा एंड वेयर एज द सेक्शन 22 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन एनी सी गोइंग वेसल होली ओन्ड बाय द इंडियन सिटीजन और द कंपनी और द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट. असल में इसके वजह से तो एक और अच्छी चीज़ है, फिर उसका एंड वेयर एज द पावर कन्फर्स बाई द क्लॉज ऑफ द सेक्शन 456 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958. फिर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, सेक्शन 456 भी लिखा हुआ है. सेकेंड 456 456 पावर टू एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है इसमें, एग्जेम्प्शन की पावर, पावर टू एग्जेम्प्ट में तो निकालना है. काफी लंबा है, 459 456. Notwithstanding anything contained in the act, the central government may by order in the written and upon such condition if any as it may think fit to impose exemption any ship of the sailing. तो ये वाला थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना यार, दिस वन आई विल जस्ट लीव फॉर फ्यू मिनट्स सो दैट यू कैन ईजिली read up. May think that if it to improve the exemption.